गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप? चलो करते हैं दिन की शुरुआत स्वीटी के साथ। तो शावर में ले आई हूँ, फ्रेश होके बैठी हूँ। फ्रेश होने की का कुछ मजा ना कुछ अलग ही होता है। तो चलो देखते हैं आज क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं। सुबह की कॉफी पी ली थी, चाय वगैरह भी पीनी है। तो चलिए फिर अपनी स्वीटी के साथ इंजॉय करते हैं पूरे दिन का। ये हमने मंगवाए हैं खाने के लिए समोसे, तो आप भी खाइए। ये घर के बने नहीं हैं, ये अभी मंगवाए हैं। और ये साथ में सॉस है। और ये चीकू जी समोसे खाने के लिए मेरे पास बैठा हुआ है। और जो मैगी है उसकी पप्पी पे पप्पी पप्पी पे पप्पी 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 ली जा रही है, ली जा रही है, ली जा रही है। और चीकू का खाना है मम्मा के साथ समोसे, पप्पी चमोचे, पप्पी पप्पी चाहिए कि चमोचा, बताओ क्या चाहिए? चमोचा, चमोचा चाहिए। चलिए आप भी खाइए हमारे साथ, खा लिए, आइए आप खाइए मेरे साथ मिठाई भी। समोसे अगर हम मंगवाएंगे तो मिठाई तो खाएंगे ही खाएंगे। आइए, मैं तो पहले पिंक वाली खाऊंगी। चमचम चमचम। एक मिनट, मैं कैमरा बंद करके खाऊं, नहीं तो मैं खाती रहूंगी। आपको अच्छा, खाइए ये खाइए। आप बताओ, आपको चमचम बीच में क्रीम जो खोया लगा होता है वो वाली पसंद है कि बिना खोए वाली पसंद है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे को बिना क्रीम के, ये बिना क्रीम के देखो तो, हाँ ये बिना क्रीम के है। मेरे को ऐसी अच्छी लगती, मेरे को क्रीम वाली नहीं अच्छी लगती। ये जो गुलाब जामुन है वो भी मेरे को क्रीम वाली नहीं अच्छी लगती। आपको? मेरे को खोए वाली पसंद है। जैसे कई जगह पे मिठाई वाली दुकान पे उसका नाम लिखा होता है सैंडविच, कईयों ने मलाई चाप लिखा होता है, तो पता नहीं रियल में उसका क्या नाम है, पर हम तो यही कह देते हैं जो खोए वाली चमचम होती है, पर वो टेस्टी मेरे को ज्यादा लगती है। इधर नहीं मिलती, वो कई कई शॉप पे दूर मिलती है। चलो फिर पहले मैं मिठाई तो खा लू, फिर बाद में मिलती हूँ। मैगी करवा के आई है शावर चीकू को, तो चीकू को ड्राई कर रही है। अरे बाबू बा रही है चीकू को, ये इसकी ना टेकर बहुत करती है। छोना छोना बाबू बन के आया। इसकी ना वो ग्रूमिंग करवाने वाली है, तो वो इसलिए नहीं करवा रहे कि फिर इसको ज़्यादा ठंडी करने लग जाती है। बाहर भी इसने अपने पापा के साथ थोड़ा सा घूमने जाना होता है, तो इसको ठंडी ना लगे, इसलिए हम कहते हैं कि चलो थोड़ा सा अभी रुक जाते हैं, अभी इसकी ग्रूमिंग नहीं करवाते। फिर नहीं तो उन्होंने बिल्कुल गंजा कर देना, क्योंकि इसके बाल बहुत हैवी हैं, मोटी मोटी जटे बनी है। ये कहाँ बनी है जटे मोटे? जटा, हाँ मोटी मोटी जटे बन गई है इसकी। ये देखो ये एक जटा, हाँ ये बन गई जटे। ये कान नहीं है इसके, जो जटा है ये, हाँ ये बहुत मोटी मोटी है। ये तो हमारा एक सॉफ्ट सा कंबल है, इसका तो मैं जफ्फी डाल के सो जाऊँ ना तो बड़ी अच्छी नींद ही आती। आए ये तो जफ्फी डाल के सोता है मम्मा के साथ, देखा कितना प्यार करता है। आयो मेरा बच्चा, ओए माँ छदके, नहीं माँ छदके, माँ छदके, माँ छदके। छोना चावल देखा, कितने प्यारे बच्चे होते हैं ये, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। इसके यहाँ भी कर थोड़ा सा जीना है। हल्का 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 हल्का, ओके 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 ओके, बीबी आए 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 आए, बीच में मजे भी ले रहा है, बड़े अच्छे बच्चे। आए दांत देखो कितने सुंदर, उसके मम्मा को दांत दिखाता है, मम्मा को काटता है, मम्मा को काटता नहीं, काटता नहीं, बहुत अच्छा बच्चा है। मैं कह रही हूँ ना, बहुत लक्की होते हैं जी, जो कोई ऐसे डॉगी होते हैं बहुत लक्की होते हैं। हो गया, ज्यादा ना हो जाए। मैं बनाने लगी हूँ चने, ठीक है। चने ये जो वाइट वाले चने हैं, ये चिकपी हैं, चिकपी हैं। ये जो बड़े बड़े होते हैं ना उसको ज्यादा टाइम लग जाता है, जो छोटे वाले हैं इसके बाहर लिखा होता है चिकपी। पहले नमक निकाल दूंगा,
इसमें मैंने डालना है नमक, अभी तो मैंने बॉईल करने हैं, फिर बाद में तड़का लगाऊंगी इसका। थोड़ा सा बस थोड़ा सा इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी, ताकि जो ना जो बॉयल हुए थे, मान लो इसमें सपोज झाग बनती है ना, फिर वो नहीं ऐसे बनेगी, इसलिए इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल। कई बार होता है ना कि ये जो बिसल होती है, बिसल में से निकल निकल, मान लो हम कभी दाल बनाते हैं ना, तो बिसल में से निकल निकल के झाग आती है, जिससे बढ़िया बिसल सीटी बचती नहीं है, इसलिए अब और इसमें मैंने मोटी इलायची डाल, एक मोटी इलायची डाल दूंगी, दो छोटी इलायची डाल दूंगी, और दो ही मैंने लौंग डाल दूंगी, थोड़े ही चने, ज्यादा नहीं चने बनाने लगी, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा बन जाते हैं, फिर ऐसा होता है कि एक टाइम खा लेता है हर कोई, दूसरे टाइम फिर तो खाने को मन नहीं करता, अगर सपोज थोड़े से बच्चे हैं तो बात अलग हो जाती है ना, एक टाइम पे ज्यादा चीज टेस्टी लगती है, इसलिए मैं थोड़े से हिसाब से बनाने लगी, ज्यादा हो जाए ना फिर मुश्किल होती है, क्योंकि थोड़ी सब्जी अगर हम बनाते हैं ना तो वो जल्दी बन जाती है, एक जल्दी बन जाती है, एक बार बार खाने को तो वो मन नहीं करता होता है। बस इसको तो मैंने सिर्फ एक बिसल लगानी है, जब दूसरी मेरी बिसल बजने लगेगी मैंने तुरंत इसे बंद कर देना है, और मैं तड़के के लिए सामान तैयार करती हूँ, क्या क्या उसमें मैंने डालना है। प्याज कटा लूंगी, बंद करती हूँ, बाद में लगाती हूँ। हाँ बस ये थोड़ा सा प्याज मेरा बचा हुआ था, क्योंकि जब कुछ बनाना होता है ना फिर आधा प्याज मैं छीलती नहीं हूँ, मान लो आधा प्याज मेरे को चाहिए ना, तो आधे प्याज का बचे जो क्रस्ट क्रस्ट है ना, इसका मतलब जो भी है क्रस्ट, क्या बोलते हैं छिलका, इसका जो छिलका है ना क्रस्ट है, इसको मैं उतारती नहीं, बस ऐसे काट लेती हूँ, ऐसे काट के फिर फ्रिज में इसको उल्टा करके ना ऐसे कटोरी में रख देना, क्योंकि फिर बाद में ये मेरे काम आ जाता है। अब मैं तड़का लगाने लगी हूँ, इसमें डल जाना है, फिर कई बार होता है ना जब खाना खाने लगे थोड़ा बहुत प्याज साथ में लेने की जरूरत पड़ती है, टेस्टी लगता है। लहसुन डाल दूंगी मैं, लहसुन को मैंने गीला कर लेना, ऐसे गीला कर लेना, मोटा ही है, ज्यादा बारीक नहीं है, जल्दी इसका छिलका उतर जाएगा। बस सारा मैंने प्याज क्या कहते हैं, प्याज भी और लहसुन भी, अदरक हरी मिर्च टमाटर सब मैंने इकट्ठा ही कर लेना चोपर का, बहुत बढ़िया है ये वाला, तो इजीली धोया जाता है, जो पहले वाला था ना मेरे पुराना, पुराने मेरे पास थे वो दोनों टूट गए, ये वाला बढ़िया है। ऐसे ही अभी मेरा कुकर भी ये वाला बहुत अच्छा काम कर रहा है, जब ये नहीं काम करेगा तब इसको भी फेंक दूंगी, मगर बढ़िया चल रहा है, मैं कहती हूँ जितनी देर चल रहा है क्यों इसे फेंक लो। खाइए मैगी से, पानी दिए रखने के लिए, भरा नहीं रख के चली गई।
बंद कर दूं बीच में वीडियो, फिर मेरी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये मेरे साथ में आपको चीकू दिखाऊं, चीकू कहाँ है? ये अंदर अकेला क्या कर रहा है? तू अंदर अकेला क्या कर रहा है मेरा बच्चा? ये मैं इधर की तरफ सोती हूँ ना, ये मेरे पास इधर की तरफ सोता है, मगर ये दिन में नहीं सोता। ये देखो इसको कितनी नींद चढ़ी हुई है, पता क्यों नींद आ रही है? इसने आज शावर लिया है। शावर लेने की वजह से ना इसे नींद चढ़ी हुई है, इसे सोया हुआ अकेला ही अंदर सोया हुआ है। नहीं तो मेरे आगे पीछे रहता है कि मम्मी क्या बनाती है, क्या खाती है, कहीं मैं ना रह जाऊं। बस आज ही अंदर ही सोया हुआ है, इसको नींद आई हुई है क्योंकि शावर लिया ना इसने। ये मेरी तरफ ही सोता है, इसको मेरी तरफ नींद आती है क्योंकि मैं इधर की तरफ पड़ती हूँ ना, ये वाले कॉर्नर पे मैं पड़ती हूँ। आज बाहर नहीं जाना, यही नींद नहीं करनी है बेटा। ओ मुन्ना, सोते सोते इसको मैं हाथ लगाती रहती हूँ। ये मेरा बच्चा है, बहुत अच्छा बेबी है। कितनी नींद है, चलो इसको सोने देते, डिस्टर्ब नहीं करना। जब कोई सो रहा था उसे डिस्टर्ब नहीं करते। लीजिए, मैं तो आज जो चने बनाऊंगी ना वो अलग तरह से बनाऊंगी। ये लिया मैंने ये प्याज और लहसुन को चॉप कर लिया, इसी में मैंने ऐसे करके ऑयल डाल देना। ये मैं ऑलिव डाल रही हूँ, सब्जी के अकॉर्डिंग डाल देना। बस अब मैंने पहले इसे पकाना, गैस ऑन कर दिया और इसे पका के ना फिर इसमें मैं टमाटर अदरक और लहसुन, सॉरी टमाटर अदरक और हरी मिर्ची को चॉप कर रही हूँ चॉपर में, फिर मैंने इसमें डाल दिया। मैं हर बार ना थोड़ा सा चेंज करके बनाती हूँ, कभी कैसे बनाती कभी कैसे बनाती हूँ। तो चने मैंने यहाँ बॉयल कर लिए हैं, दिखाती हूँ। एक विसल लगाई, दूसरी विसल पे बंद कर दिया मैंने। ये जो चिक्की होते हैं ऐसे होते हैं पक गए। अब मैंने इसको विसल लगा के नहीं बनाना, मैंने इसमें बनाना है। इसको बॉयल कर लिया बस, ठीक है। इसमें जो भी मोटी गाजी वगैरह निकाली डाली होती है उसको साइड पर कर दो, निकाल दो। बस अब मैंने तड़का बनने देना है और ये जो टमाटर अदरक और हरी मिर्ची का चॉप कर रही हूँ ये पक जाएगा, फिर इसमें डाल दीजिए। फिर खाने को मन करता है ना, कभी कैसे चने बना लिए कभी कैसे चने बना लिए। बस ऐसे पकाना आप चने को, तड़का लगा दिया मैंने, बस 15 मिनट से पकने देना। इसका कुछ अलग टेस्ट होगा, बहुत यम्मी बनेंगे। बस 15 मिनट बाद मेरी चने तैयार है, साथ में खाएंगे गर्मा गर्म पूड़ी। आप भी आना और आप भी खाना। चलिए फिर आज के ब्लॉग का हम यही पे एंड करते हैं और मिलते हैं हम आपको कल या परसों नहीं तो नरसों। और कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपको मेरा आज वाला ब्लॉग कैसा लगा, और लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर कल, आपकी स्वीटी। बाय, बी हैप्पी, बी हैप्पी। सब्सक्राइब करना मत भूलना।